हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरे YouTube चैनल में आप लोगों का स्वागत है। दोस्तों, आज मैं आपको बताने वाला हूँ सेक्स ड्राइव में कमी आने के क्या कारण है और इसके क्या उपाय है। दोस्तों, ये एक ऐसी बीमारी है जिससे इंसान को काफ़ी प्रॉब्लम होती है और काफ़ी गिल्टी फील होती है, जिस जो अपने वाइफ के सामने या अपने पार्टनर के सामने नज़रें नहीं मिला पाते हैं। तो दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं, सेक्स लाइफ हमारे जीवन का एक अहम हिस्सा है। हालाँकि कई शादीशुदा कपल्स में सेक्स इच्छा बेहद कम हो जाती है, कई बार इसके चलते लोगों का व्यवहारिक जीवन खराब हो जाता है। सेक्स इच्छा कम होने के पीछे कई कारण होते हैं। कई बार ऐसा होता है लोगों को पता ही नहीं चलता कि उनकी सेक्स ड्राइव किन कारणों से कम हो रही है, जिसके चलते वह इन कारणों से सावधान नहीं हो पाते। आइए जानते हैं कि किन कारणों से सेक्स ड्राइव कम हो जाती है। तो इन कारणों से होती है समस्या दोस्तों, जैसा कि पहला, दवाइयों का सेवन। हम दवाइयों को आम बीमारियों को दूर करने के लिए लेते हैं। कई बार ऐसा होता है कि अधिक दवाओं के सेवन के कारण सेक्स लाइफ प्रभावित होने लगती है। कई ऐसी दवाएं हैं जिनको खाने से हार्मोन पर असर पड़ता है, इस कारण से सेक्स में दिलचस्पी कम हो जाती है। दूसरा, गलत जानकारी। कई बार ऐसा होता है कि सेक्स से जुड़ी गलत जानकारी के चलते लोगों में सेक्स को लेकर दिलचस्पी कम होने लगती है। दोस्तों और अन्य माध्यमों से ली गई अधूरी जानकारी सेक्स के प्रति जागरूक ना होना सेक्स ड्राइव में कमी लाता है। तीसरा दोस्तों, तनाव। भागदौड़ भरी जिंदगी के चलते लोगों में सेक्स की इच्छा में कमी आ जाती है। इसके अलावा परिवार की जिम्मेदारियों के चलते बढ़ते तनाव के कारण सेक्स ड्राइव में कमी आ जाती है। चौथा गाइस, बीमारियां। शरीर में सेक्स से जुड़ी कोई कमजोरी आने से कोई बीमारी हो जाए तो सेक्स की इच्छा पर सबसे ज़्यादा प्रभाव पड़ता है। पांचवा दोस्तों, जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, शीघ्र पतन के कारण भी सेक्स के प्रति इच्छा कम होने लगती है। ऐसा देखा जाता है कि सेक्स के दौरान घबराने से शीघ्रपतन जैसी समस्या हो जाती है। इसके अलावा कई अन्य कारणों से भी शीघ्रपतन हो जाता है, जो दोस्तों मैं आपको अपनी आने वाली अगली वीडियो में आपको बताऊंगा। तो गाइज, अब मैं इसके उपाय बताता हूं, जो घरेलू उपाय हैं। तो दोस्तों, पहला उपाय है धूम्रपान और शराब की लत को जितना जल्दी हो छोड़ दें। दूसरा गाइज, खान पान को लेकर विशेष ध्यान दें। डाइट में सब्जियां, ताज़ा फल सहित अच्छा भोजन लें। इसके अलावा पर्याप्त मात्रा में पानी पिएं। तीसरा दोस्तों, पर्याप्त मात्रा में नींद लें, इससे काम इच्छा में वृद्धि होती है। चौथा गाइस, कोशिश करना चाहिए कि तनाव से दूरी ही बनाकर रखा जाए। तो दोस्तों, ये तो थी मेरी घरेलू उपाय। अब मैं आपको कुछ एलोपैथिक दवाइयों के बारे में बताता हूँ, तो जो कुछ मेडिसिन से आप बहुत ही जल्दी रिकवर कर सकते हैं। तो गाइस, जैसा कि आपने मार्केट में, आप जानते हैं मार्केट में कई सारी ऐसी दवाइयां हैं जो काम इच्छा को तेज़ी से बढ़ा सकती है, जिसमें से मैं आपको सिर्फ दो मेडिसिन के बारे में बताऊंगा। जैसा कि आपने ज़्यादातर तो सबसे विश्व प्रसिद्ध है वायग्रा और एक डीजाग्रा। शायद डीजाग्रा तो आप पहली बार नाम सुनोगे, लेकिन इसका रिजल्ट बहुत ही अच्छा है। तो गाइस, मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये 50 mg में आपको लेनी है। वो भी आपको तब लेनी है जब आपकी काम इच्छा में कमी हो, इसको तब यूज करना है। और दोस्तों, इसको हफ्ते में सिर्फ एक बार यूज करना है, आप डेली इसको यूज़ मत करना, क्योंकि डेली यूज करने से आपकी किडनी फेल होने के चांसेस ज़्यादा हैं। तो गाइस, इसको कभी कभार यूज करना, इसको अपना आदत मत बना लेना कि मेरे को इसको ही यूज करके सक्स करना है। तो गाइस, ये बहुत ही नुकसान करेगा आपको। तो मैं आपको एक ही सजेशन दूंगा कि प्लीज़ आप इसको तभी यूज करें जब आपकी सेक्स में कोई दिक्कत हो, कोई प्रॉब्लम हो, और वो भी हफ्ते में आप एक बार यूज कर सकते हैं। कोशिश करना कि आपको इससे पहले यूज करने के लिए आप अपने डॉक्टर से परामर्श ज़रूर करें। तो दोस्तों, ये था एक मेरा छोटा सा वीडियो। अगर आप लोगों को अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।